कितना टेस्टी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत टाइम हो रहा है और रात हो रही है 7:30 बज रहा है शाम का। तो आज पूरा दिन मैंने रेस्ट किया था। मैंने आई थिंक आप लोगों को बताया भी था कि मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम हुई है पिछले ब्लॉग में, और आपको एक साइड में हल्की स्वेलिंग दिख रही होगी, ये वाला साइड देखिए तो स्वेलिंग आपको दिख रही होगी। तो अभी मैंने जो दवाइयाँ हैं ना वो खाई हैं। तो ये वाली दवाई जो है वो मैं लेके आती हूँ, ये है पैरासीटामोल, और इसमें और भी चीज़ें कुछ हैं तो इससे फीवर नहीं आता। और ये है दवाई टॉन्सिल की। तो इसे खाने के बाद ना मेरा जो टॉन्सिल है 2-3 डोज में ही सही हो जाता है। और फिर मैं इसे लेना इसलिए नहीं चाहती हूँ क्योंकि जैसे ही रिकवर होता है अगर मैं इसे छोड़ती हूँ तो दोबारा से मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। पता नहीं क्या ये कि जैसे ही मैं छोड़ती हूँ, तो मैं सोच रही थी इस बार दवाई नहीं लेती। गर्म पानी से थोड़ा रिलीफ मिला था पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया। हमने लास्ट मील जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में लौकी दिखाई थी वही खाई है। और अभी रात हो रही है तो अब मुझे लग रहा है कि कुछ खाना जो है वो बना लिया जाए, क्योंकि खाना खाया नहीं जा रहा था। तो रियल का जूस था वो मैंने बाहर निकाल दिया था फ्रिज से कि वो गर्म हो जाए, तो अच्छे गर्म गर्म जूस ही पिया है मैंने और सूप पिया है और कुछ नहीं पिया है। तो मैं सोच रही हूँ खाना बनाना शुरू करती हूँ। राजा जो है वो अब आते होंगे, ये 8 बजे तक 9 बजे तक आ जाते हैं, तो जल्दी से चलते हैं खाना बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ कोफ्ते बना लूँ। जब तक ये बन रहा है, ये फ्राई हो रहा है, इसमें मैंने प्याज लहसुन अदरक बेसन डाल दिया। ये कोफ्ते बन के हो गए हैं तैयार। ये एक्स्ट्रा तेल मैंने अभी यहाँ पे रखा है। मैं केक की तैयारी कर रही थी। राजा ये वाली मिक्सी अंदर रखो, बड़ी वाली मिक्सी निकाल दो। हेल्प करा दो, कुछ हो जाएगा। वैसे ही दवाई खा के काम कर रही हूँ। तो आज हम एक्स्ट्रा पैकेट्स का बनाएंगे, मतलब उस दिन मैंने 2 का बनाया था, आज 3 का बनाया। और भी 4 का बना लेते यार, और नहीं आता है। नहीं ठीक है, ज्यादा सही पीस कर। हम भी काम कराने हैं, माहिर रहने से आईने तेरा कोका कोला कोका मैन ना कोका मजनू अरे द्वारा बनाया जा रहा है चॉकलेट केक। जी नहीं, मैं बनाऊंगी, तुम तोड़ रहे हो। ब्रिटानिया के बिस्किट है ये, कितने तोड़ लिए? पार्ले जी ब्रिटानिया के पार्ले जी बिस्किट है। एक तो इतनी मुश्किल से काम करने आते, ऊपर से ये तुम्हारा
गुर्गा है, दादा ने ना एक गुर्गा पकड़ के रखा अपना कि वो काम नहीं करने देगा गुर्गा, तो इन्हें आधा अधूरा काम किया है तो जो तोड़ दिए है ना वही डाल दिए। जानिए देखो आजकल इसको तो मालूम है, आ रहा हूँ इधर आओ, इसको देखो तुम, मैं डाल रहा हूँ इधर आओ बोगू। आइसिंग का मूवी से लेना मेरा अमूल, तो ये जो है ये हो गया है तैयार। अमूल दूध बहुत सॉफ्ट बना है इंडिया, तो अभी मैं थोड़ी सी आइसिंग करूंगी और फ्रिज में डालूंगी, उसके बाद फिर एक बार फिर से आइसिंग करूंगी। मैं चॉकलेट है, चॉकलेट है ना, नीचे भी सब जाएगी इसके लिए। ये सो ये पता गाढ़ा है, बह रहा था ये, अच्छा है मतलब। कोई खाएगा केक? खाओगे ना? अब मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी, आजू बाजू से लगे ना, तुम करोगे काम थोड़ा? क्या बताओ क्या करना है? ये सब दबा जाओ। आजू बाजू से क्रीम लगा लो, लगा लो, अभी करते रहेंगे अपने केक के साथ काम। कौन लगाऊं कैसे, ये तो बाजू में गिरेगी, तो ध्यान से तुम्हें लगाना नहीं आता क्या? लगाना नहीं आता। ये देखिए कैसे लगाया जाता है, आई कितना टेस्टी है, बस इतना भी मत लगाओ कि खाके खाके कहाँ है इसकी वो, तो डाल दी मैंने आंखों। राजा के द्वारा बनाया हुआ केक, राजा का हाथ लगा देते हैं ना तो ये केक उनके हाथ से बना हुआ हो जाता है। गरम लग रहा है यार, शेर गरम है, लग नहीं रहा। चलो ठीक है यार, बाद में बाद में ऊपर से डाल खा लेंगे ना कपड़ा।
ये देखिए अब ये जा रहा है बहुत ही सुंदर जगह जहाँ जाके ये बहुत खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा। चॉकलेट हटा दो ऊपर से। अरे यार तो बहुत सुंदर लग रहा है अभी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे रख रहे हैं तो मेरी किशमिश है यार। रख रहे हैं ना तो यहाँ रख दो ना क्या प्रॉब्लम है किशमिश। ये देखिए धुएं से आए हाय यहाँ तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है ना रख रहे हैं तो खाना मत ठीक है। तो यम्मी आज तो केक ब्लॉग तो कोफ्ते हो गए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यम्मी यम्मी कोफ्ते तैयार हैं। ये ना जी ये चावल के साथ बड़े अच्छे लगते हैं इसे कभी ट्राई करिएगा। प्याज काट रही हूँ। प्याज काट रही हूँ। पापड़ कर रही हूँ। पापड़ 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 लूडो किंग लूडो किंग मैं बन गया हूँ लूडो किंग। चार बार हराया है शिवानी को बंदरिया नाम रखा है जी। आपने नहीं मैं कल रात से चार गेम लगातार हराया है। ऐसा रो रही है कि मतलब पूछो क्या वो कहीं पर इतना बायस हो जाता है ना मतलब ये काट भी रहे हैं। और जब तक ये मेरे को हरा नहीं देंगी ना तब तक ये इनका मतलब अंदर की शांति नहीं नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी पहले मुझे चार गेम लगातार छक्के पे छक्के छक्के पे छक्के आ रहे और इनकी गोटियां जो है वो सारी घर के अंदर इनकी तीन तीन और मेरी तीन तीन पहुंच जा रही है। ये जैसे ही खुल रही मैं इनको काटता जा रहा हूँ पूरी सेटिंग के साथ बकायदा। हर पॉइंट्स में मैंने अपने गुर्गे लगा के रखे थे और इनके जो गुर्गे हैं वो इनको धोखा दे रहे थे और कटते जा रहे थे। क्या है बताती हूँ क्या है बताओ। मेरी है तबियत खराब तो मेरे गुर्गे सो रहे थे। गुर्गे सो रहे थे इनकी तबियत खराब। मेरे गुर्गे इतने समझदार है कि कोरोना चल रहा है तो वो बोल रहे स्टे होम स्टे सेफ तो घर से निकल ही नहीं और जैसे निकलते वैसे ये काट लेते हैं। जब ढाबे में होते हैं वैसे। और ये अंडा करी तैयार होके बन चुकी है। अंडा करी गर्मी है तो क्या हुआ। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। भैया अंडे खाया करो लूडो किंग में जीतोगी फिर आप। नहीं खाने में नहीं जीतना। नहीं जीतना क्यों। इसकी डंडी का है नीचे की डंडी कहीं पर पड़ी होगी। सो रही है सब सो रहे हैं आज। आज मैं बीमार हूँ सब सोए पड़े। तो चलिए मैं खाना दे देती हूँ भूख लग रही है। लूडो के अलावा कुछ करते ही नहीं आजकल। केक भी हम लोगों ने थोड़ा सा खा लिया था फिर मैंने उसे काट के रख दिया है। एक्चुअली में क्या हुआ राजू ने उसे फ्रीजर में रख दिया था वो थोड़ा सा हार्ड हो गया फिर मैंने उसे बाहर निकाला। जब वो बना था वो बहुत सॉफ्ट था। राजा ने पता नहीं क्यों फ्रीजर में रख दिया और मेरा भी राजा ने फ्रीजर में रख दिया और पता नहीं मेरा दिमाग भी ऐसा हुआ कि मैंने भी नहीं सोचा कि वो फ्रीजर है। एक्चुअली में न्यू है ना तो थोड़ा सा डाउट रहता क्योंकि वो फ्रिज जैसा दिखता है। फ्रीजर थोड़ा सा बर्फ बर्फ रहती जो हम लोग देख रहे थे फ्रीजर में रख दिया और वो हल्का सा वो हो गया था टाइट तो मैंने उसे थोड़ी देर बाहर रखा। फिर उस पर हल्की सी चॉकलेट सीरप और डाला और तो मैंने इसे काट लिया है। कुछ मीठा हो गया है। एक्चुअली में क्या है घर में मेहमान आने वाला है तो मुझे लगा यार एक मीठा ही बना लेते हैं तो मीठा होना ही चाहिए तो मीठा बन गया। अब मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। तो अभी मैं आपको फिलहाल गले की हालत बताती हूँ। वो टैबलेट्स मैंने आपको दिखाई थी उनसे असर बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है
और अगर आप दो तीन डोज ही लेंगे ना तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसकी मेरी अब टोटल दो डोज हो गई हैं और जो अंतर है ना वो सीरियस, पता नहीं मुझे लगता है पता नहीं क्या ऐसा काम करती हूँ दवाइयाँ की एकदम से अंतर हो जाता है। और आपको बात बताऊँ, मेरी किस्मत इतनी खराब है एज अ फैमिली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बात कि मैं पूरे महीने दवाई अवॉइड करती हूँ कि यार कोई दवाई ना खाऊँ, मैं कोई दवाई ना खाऊँ। और जैसे जैसे मैं साइकिल की डेट पे आती हूँ मुझे लगता है कि अब मुझे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और तब मेरी कोई ना कोई दवाइयाँ हो जाती हैं शुरू। चाहे वो गोवा के टाइम की तबीयत हो, बीच में ना मेरी होती ही ऐसा कि मेरी साइकिल के आसपास दवाइयाँ शुरू हो जाती है अंठ, तो वो हो ही जाती। मैंने सोचा था इस बार नहीं लूँगी पर इतना दर्द था ना कि आँखें में लेनी पड़ी। मेरी हालत बहुत बैड हो रही है अभी। मैं चाय लेके आई अपने लिए, गरम गरम अदरक की चाय, कोफ्ते बहुत अच्छे बने थे गाइस, ट्राई करिएगा, जीरा फ्राई राइस के साथ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा बनते हैं वो, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। और आपको पता है मैंने राजा को उसके बाद बताया कि राजा वो लौकी ही कोफ्ते, तो उसके थोड़ा झूठ बोल रही हूँ ठीक है ना, मैंने बोला गॉड प्रॉमिस लौकी के कोफ्ते, कसम खिलाई हमने, उसके बाद मैंने कसम खाई, फिर ये माने, फिर ने बोला यार बड़े मस्त बने थे, पर लौकी के नाम से चिड़ जाती है ने, फिर बोलते यार बता दे रहा था, मैंने बता दिया। और आपको पता है जिस टाइम मैं खाना बनाने गई थी ना तो मैंने सबसे पहले लौकी कस के उसमें बेसन डाल दिया था कि ये आके ना देख लें कि लौकी कसी है घर में, मतलब लौकी का कुछ बन रहा है, तो ये ना देख पाए, और वही हुआ कि नहीं देखा। और मेरे को लगा मैं एंडिंग तो नहीं बताऊंगी, अभी आए थे ना इन्होंने मुझसे बोला कि कौन से कोफ्ते, तो मैंने बोला ग्रेवी वाले कोफ्ते जो चावल से खाते हो, अभी नहीं इतना याद रहता नहीं कि ग्रेवी वाले कोफ्ते जो चावल से खाते हो, मैंने ये बोला इनसे। और फिर मैंने बोला अच्छा वो वाले ग्रेवी वाले कोफ्ते, ये समझ में नहीं आई किस चीज़ से कोफ्ते थे। राजा खाने के मामले में बहुत भुलक्कड़ है, अगर आप राजा को कुछ खिला देंगे राजा उस टाइम बहुत तारीफ करेगा, अगर आप 5 दिन बाद ना पूछेंगे या वही बना देते हैं वो अच्छा लगा था मुझे, खुद ही पूछेंगे अच्छा लगा था मुझे, अच्छा याद करेंगे, फिर उन्हें याद भी नहीं आती हैं चीज़ें, तो वो थोड़ा ऐसे हैं उन्हें यही, हाँ तो थोड़े ऐसे ही है। नाना करते ही ब्लॉग था वो बन गया और कोशिश करी है मैंने, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक कर दीजिए। तो कोई मेहमान आने वाला है वेट करिएगा, 2-3 दिन के अंदर अंदर में आपको पता चल जाएगा, तो वेट करिएगा। तो बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे, बहुत सारा काम करेंगे। जैसे मैंने वो केक भी बना लिया कि अच्छी ब्राउनी टाइप की हो जाती है, वो अच्छी लगती, तो वो भी बना के मैंने रख लिया क्योंकि एकदम से सारे काम नहीं होंगे मुझसे, तो वो भी बना के रख लिया। और मुझे कल बहुत सारा काम है, मुझे घर थोड़ा क्लीन करना है, और देखते हैं। तो चलिए बाय, लव यू ऑल।